तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं सूर्यदेव आज से यानी कि 13 अप्रैल से उच्च के हो रहे हैं और आज से लेकर के वो 14 मई तक उच्च के ही रहेंगे। और जब किसी के कुंडली में सूर्य उच्च का हो जाए ना, तो उस व्यक्ति को उच्चाधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य जिसका उच्च का हो जाए, हायर लेवल का अथॉरिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राजा बनने के लिए, मालिक बनने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, सरकारी अधिकारी बनने के लिए, नेता बनने के लिए, अपना काम धंधा करने के लिए सूर्य का उच्च का होना और पावरफुल होना बहुत जरूरी है। यही सूर्य देवता 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में यानी कि पूरे 1 महीने उच्च के हो गए हैं। और जब उच्च के हो गए हैं तो मेष राशि वालों को क्या फल देंगे, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देवी और सज्जनों, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी फल भी आपको मिलेगी। उच्च के हैं लेकिन दृष्टि तो सप्तम भाव पे नीच की ही पड़ेगी, तो उसका भी निगेटिव प्रभाव मिलेगा, और उच्च के हैं तो उसका भी पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इन सभी विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो कस्ते काय, केरो हाल है, केना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छन्ती की खबोर, नमस्तु भ्यं राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले नाम अक्षर को जान लेते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर चू चे चो ला ली लू ले लो और अ हो, उसकी राशि मेष होती है। ये नाम राशि की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आपकी जन्म राशि मेष हो और आपका नाम राशि मेष नहीं भी हो। अगर नाम राशि मेष नहीं होगा तो इस अक्षर से आपका नाम शुरू नहीं होगा। तो इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिसकी जन्म राशि मेष है, अथवा वो लोग भी देख सकते हैं जिनका जन्म लग्न मेष है, एवं वो लोग भी देख सकते हैं जिसकी नाम राशि मेष है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए आखिर सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण, मेष राशि वालों के लिए मेष राशि में ही प्रथम भाव में ही है, तो पहले कुछ खटापन जान लेते हैं, पहले कुछ बुरी चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद मैं प्रयास करूंगा आपको अच्छी चीज़ों को बताने का। तो देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में जब सूर्य देव आते हैं तो धन से संबंधित समस्या भी साथ लाते हैं, चाहे वो धन के नुकसान का समस्या हो, आगमन में परेशानी हो, किसी को दिया हुआ पैसा वापस जल्दी ना मिलना हो, ये सब समस्या है। तो सूर्यदेव सबसे पहले प्रथम भाव में आए हैं तो 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में धन से संबंधित कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अनुभव करेंगे कि प्रथम भाव में आए हैं जबकि उच्च के हैं, लेकिन प्रथम भाव का निगेटिव फल बता रहा हूं, उच्च का पॉजिटिव फल बाद में बताऊंगा। तो किसी किसी जगहों पर में, कुछ जगहों पर में आपको मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। कुछ लोग आपके मान सम्मान में नहीं उतरेंगे, नहीं आएंगे, आपको अपमानित करने का प्रयास करेंगे, जो सदा से आपसे जलते आ रहे हैं। कभी कभी 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में एक आध दिन आप ये भी अनुभव करेंगे कि हेल्थ वाइज कुछ इशू का आपको सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपके सामने आ सकती है। जिस किसी भी व्यक्ति को बीपी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, पेट से संबंधित समस्या है, आंख से संबंधित समस्या है, वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें तो सब ठीक रहेगा। थकावट वगैरह थोड़ी सी महसूस निश्चित तौर पर मैं इस समय में हो सकती है सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में ऐसा भी हो सकता है कि बिना मतलब का आप टूर पे जा सकते हैं, बिना मतलब का आप घूम सकते हैं, बिना मतलब का, बिना किसी उद्देश्य के आप इस समय में भटकते हुए भी महसूस होंगे। हो सकता है तो आपको अपने परिवार से भी कुछ हद तक दूर रहना पड़े। ऐसा भी संभव है कि कहीं कहीं कोई कोई दिन ऐसा आएगा 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में कि आपको अपने सगे संबंधियों, परिवार के लोगों, मित्रों से किसी बात को लेकर के मानसिक तौर पर में कुछ कष्ट हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, कुछ किला सिकवा हो जाए, ऐसी भी स्थिति सामने आ सकती है। कुंडली के प्रथम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं
तो प्रथम भाव में जब सूर्य बैठते हैं देवी और सज्जनों, तो सबसे पहले तो ये आपको दिमागी तौर पर में गर्म कर देते हैं, यानी कि गुस्सैल बना देते हैं, क्रोधी बना देते हैं, स्वाभिमानी बना देते हैं। छोटी सी भी बात अगर अनुचित प्रतीत होगी आपको, तो आपका सातवां पारा चढ़ जाएगा, आपका जो है जो अंगूठे के नीचे का भी जो पार्ट है ना, वो भी गर्म हो जाएगा, आप गुस्से में आ जाया करेंगे। अनुचित बात पर में मन बड़ा चंचल रहेगा। सूर्य जब प्रथम भाव में आते हैं तो लोग प्रवासी भी हो जाते हैं, कहीं दूसरे जगह पर में भी जाना उनको पड़ सकता है। शरीर थोड़ा सा क्लांत, थोड़ा सा काला प्रतीत होगा। आप जितने गोरे हैं, जितने स्मार्ट हैं, उसमें थोड़ी सी कमी तो आएगी, लेकिन चेहरे पर में आकर्षण ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक रुआब, एक राजा जैसा एक रुतबा वो जरूर देखने को मिलेगा। नाक कान कपाल वगैरह बड़ा सुंदर दिखेगा। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपकी सूर वीरता पर में, इन हाथों की शक्ति पर में आपको शक नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने में अपने आप को आप सक्षम महसूस करेंगे। संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। हमने कहा ना कि धन नाश के योग है, धन के नुकसान के योग है, लेकिन एक तरफ वो है तो दूसरी तरफ कुछ समय में संपत्ति के प्राप्ति के भी योग हैं, लेकिन वो अस्थिर संपत्ति होगी, लंबे समय तक टिकने वाला नहीं होगा। सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है, सो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। और जब सप्तम भाव पर में सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो जीवन साथी के लिए थोड़ा सा निगेटिव समय ये साबित हो सकता है। जीवन साथी किसी मामले में किसी बात को लेकर के परेशान हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको बिजनेस व्यापार में जो है सो उतार चढ़ाव अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है, लेकिन अप एंड डाउन्स थोड़ा सा देखने को मिलेगा, फिर उछाल भी मारेगा। उग्र स्वभाव पर में थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। शुरुआती 13 अप्रैल से जो कुछ समय रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी से भरा रहेगा, लेकिन बाद का जो समय रहेगा एक सप्ताह के बाद का, वो समय आपका सुखमय रहेगा, वो समय आपका अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में मस्तक पर में सूर्य उच्च के हुए हैं, तो सबसे पहले तो दिमाग तो थोड़ा सा गर्म रहेगा, लेकिन क्रांतिकारी डिसीजन लेने की क्षमता भी रहेगी। किसी भी निर्णय को लेने का आपके अंदर एक जुनून, एक जोश, एक जज्बा जागृत हो जाएगा। शरीर में बल की मात्रा भी महसूस होगी। कभी कभी इतना ज़्यादा काम कर लेंगे, उतार चढ़ाव हो जाएगा, कि थकावट भी महसूस होगी। ज्ञान में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य मस्तक पर में है। कभी कभी देखेंगे आपका रूप रंग 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई देगा, और कभी कभी देखेंगे कि रूप रंग में एक गजब का आकर्षण, एक गजब का रुतबा, एक बहुत ही बेहतरीन चीजें दिखाई दे रही। शील स्वभाव भी आपका निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्रोध पर में कंट्रोल करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मिला जुला करके कुछ मामलों में समय खराब है, तो कुछ मामलों में समय बढ़िया भी है। मेष राशि वालों के लिए उच्च के सूर्य हैं तो ज़्यादातर बढ़िया ही रिजल्ट देंगे। कहीं कहीं एक आध दिन, किसी किसी दिन अनुभव करेंगे कि परेशानी थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी मेष राशि वालों के लिए, कि सूर्यदेव का मेष राशि में उच्च का प्रवेश होने के कारण क्या आपको अच्छा और बुरा प्रभाव मिलेगा, हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।